आप प्रस्तावक थे जी। क्या नाम हुआ आपका? बैजनाथ पटेल। आप प्रधानमंत्री? बढ़िया लगा। क्या बोले प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी हालचाल पूछे केवल। हाँ। बस तो आपको कब बताया गया कि आप प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए? कल शाम को। क्या बोला गया था? कि प्रस्तावक आपको रहना है, एक कागज देना है। हाँ। मैंने कागज दिया। हाँ। और उन्होंने कागज लिया। अच्छा। उसके बाद अंदर में क्या बोले प्रधानमंत्री या दूसरे नेता जो थे आपके साथ? नहीं, दूसरे नेता कहीं और थे, हम लोग कहीं और थे। हाँ। प्रधानमंत्री जी हम लोगों के पास पहुँचे और फाइल लिए। आपको खुशी है? एकदम खुशी है। तो यहाँ से एक बार फिर से उम्मीदवार बने हैं, क्या आप देखते हो? अरे वो अधिक 10 लाख से अधिक वोट मिलेगा। हाँ। हम लोगों का सतत प्रयास है। हाँ हाँ, जीत जाएंगे वो। अरे जीतने की बात कर रहे हैं, पीछे कोई मुड़ के देखने दिखाई नहीं देगा दूर दराज तक। मतलब काहे, क्यों आपको लगता है कि कोई नहीं है? इसलिए कि है ही नहीं कोई, किसी के पास मुद्दा नहीं। फालतू है तो हाउ है, कहीं कुछ है मिल रहा, सिद्ध कर रहे हैं, कोई प्रमाण है कहीं? आप कुछ प्रस्तावक के तौर पर मान के चल रहे हैं कि ज्यादा मतों से जीतेंगे? जी एकदम अधिक से अधिक। ये बैजनाथ महतो एक प्रस्तावक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनसे बातचीत हुई और उनका कहना है कि हम भारी मतों से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जीते। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार्स, निर्माण का रियल हीरो।